दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं समझता हूं आप लोग भी मेरी तरह स्वस्थ निरोग और चंगे होंगे, और मेरी कामना भी यही है। दोस्तों आज का विषय मैं लाया हूं, जापानी तेल का सच। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से मेल आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, मेरे अस्पताल में बहुत से मरीज आ रहे थे, कहते डॉक्टर साहब ये जापानी तेल मार्केट में एकदम तूफान मचा रखा है, एकदम इसका इतना ना हो हल्ला है, हंगामा है, हर जगह, हर मेडिकल स्टोर में हर जगह धरले से बिक रहा है, थोड़ा इसका सच्चाई बताइए। तो मैं सोचा क्यों ना आप इस पर आज मैं वीडियो बना दूँ, आप लोग सच्चाई से रूबरू हो जाएँ। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी दबा दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल नई और सही जानकारी देता हूं, मेरे पास कोई फेक न्यूज फेक जानकारी नहीं होती, जो मैं सच्चा लगता हूँ ये आप लोगों को बताता हूँ। मेरा भी उद्देश्य है कि आप लोगों को सही जानकारी से रूबरू कराया जाए। तो दोस्तों मैं बताता रहा हूँ, दोस्तों जापानी तेल, दोस्तों आज ये मार्केट में एक फेमस ब्रांड बन चुका है, हर मेडिकल स्टोरों में, हर दवा दुकानों में, हर दुकानों में ये लगभग अवेलेबल है, मीडिया में, टीवी न्यूज में, पेपर्स में इसके ऐड छाए रहते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पे छाप चुका है, काफ़ी प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत यह है कि इसके यूज करने से कुछ दिनों के लिए, क्षणिक समय के लिए आपके लिंग में ताकत तनाव तो आता है, लेकिन बाद में जो लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो उसे मरीजा हमसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा लिंग अब खड़ा ही नहीं हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, बगैर जापान तेल लगाए अब टाइट ही नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट ये है कि यदि आप इसका यूज करते हो तो हमें सलाह दूंगा इसे बचो, क्योंकि इसका यूज करने के बाद में आपको थोड़े दिन के लिए आपको फायदे और अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में आपका लिंग इसके लगाए बिना खड़ा नहीं होगा, आपको आप इसे गुलाम बन जाओगे, आपको इसको तो हमेशा ही तेल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपके लिंग में टाइटनेस तनाव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और तब मैं सलाह दूंगा मेरे हिसाब से, जिस तरह मरीज हमसे आके हमसे कह रहे हैं कि रक्षा मैं तो परेशान हो गया, अब ये लिंग तेल लगाकर जापानी तेल से परेशानी हो गई कि अब हमें अब हमको हमेशा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बिना इस्तेमाल किए काम चलता ही नहीं है। तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है कि इसको एक बार यूज करने के बाद में लिंग में लंबाई बढ़ जाती है, लिंग में तनाव पैदा कर देता है, बाद में लिंग जो है लंबा होने की वजह से ढीला पड़ जाती है, आपको बार बार लगाना पड़ेगा, तब जाकर तनाव होगा, कुछ दिन के बाद एक काम ही नहीं करेगा, आपका लिंग लटक के ऐसे ढीला हो जाएगा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप लोग इसका यूज न करें तो अच्छा है, आप मतलब फूड सप्लीमेंट लें। दोस्तों मेरा एक वीडियो है लिंग वर्धक तेल, मेरे चैनल पर जाना, सर्च करना लिंग वर्धक तेल विहंगम हेल्थ, वो मेरा तेल देसी तेल नुस्खा बताया हमने, लगाओगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ये फकीरी टोटका है, फकीरी नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, कोई नुकसान नहीं करता, आप उसका इस्तेमाल करके आप टाउन पूरी लाइफ तक लिंग में तनाव बने रहेगा, आपका लिंग मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।